68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा फिलहाल के लिए सिर्फ 62 सीटों वाली विधानसभा बनकर रह गई है, क्योंकि 6 विधायक अयोग्य हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही एक के बाद एक घटनाक्रम हिमाचल की राजनीति में चलने लगे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट फाइल कर रखी है, दूसरी तरफ विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ बालूगंज पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है, तीसरी तरफ बागी विधायक अभी भी ऋषिकेश में डटे हुए हैं और चौथी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बागियों के लिए अलग अलग पदनामों की संज्ञा देते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के हमारी सरकार को गजने के षड्यंत्र रचा गया। मैं धन्यवाद करूंगा सब विधायकों का जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। जनता के वोट पर जो जीत कर आते हैं और नोट के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के निशाने पर बागी विधायकों के साथ साथ BJP भी है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार इस सब के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। लेकिन भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने इसे लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और कांग्रेस भी ये बात बखूबी जानती है। राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया जिस दिन से राज्यसभा हारे। भारतीय जनता पार्टी के 15 लोगों को बाहर निकाला अपना बहुमत साबित करने के लिए, और उसके बाद इस तरह से इतनी जल्दी अपने ही विधायकों को बाहर निकालने का फैसला लिया जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर सलाहकार कोई ठीक नहीं है। उन सलाहकारों के कारण ही इतनी निराशा का वातावरण भी कांग्रेस के विरोध में बना और सरकार के विरोध में बना। इससे पहले 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अयोग्य ठहराए गए विधायकों के वकील सत्यपाल जैन भी मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ वकील हरीश सालवे के मौजूद न रहने की वजह से सत्यपाल जैन ने न्यायालय से अगली तारीख की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 18 मार्च की तारीख दी है। जो भाजपा विधायक हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हैं, जो सरकार के मंत्री हैं वो बागी विधायकों पर और BJP पर हमलावर हैं, तो सियासी जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब इंतज़ार 18 मार्च का है, जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस लगेगा, सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब क्या कुछ फैसला देता है उस पर नज़र सबकी बनी हुई है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्मप्रकाश, DD News, शिमला।